और उसके बाद ये वीडियो आप लोग सुन सकते हैं मोटिवेशनल स्पीच। इसमें मैं ये बताई हूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम में 15 दिन जो आप लोग को बची हैं कैसे आप लोग इसे यूटिलाइज करें और अपना नेट कंप्लीट कर पाएँ। ये ग्राफिक टर्मिनोलॉजी की वीडियो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए मैं 9 मंथ पहले ऐड की थी, तो पुराने वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें सारे ही चीज़ के बारे में बताएं कि एडिशन किसे कहते हैं, एचिंग क्या होता है, मेज़ोटिंट क्या होता है, ड्राई पॉइंट क्या है, कोलोग्राफी क्या है, सारे चीज़ बताई हूँ। इसे मस्ट वॉच करें। फिर ये टूल्स एंड टेक्निक्स से बार बार लोग मुझे बोलते हैं बताने के लिए कि जैसे कि ग्राफिक में कौन से टूल्स यूज होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्ले को ग्रॉक बोलते हैं, ब्रेयर रोलर को होता है, चीजेल वुड से है संबंधित। तो ऐसे क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट में एक जरूर आएंगे, इसलिए प्लीज़ इसे वॉच करें। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो म्यूजियम से प्री इंडिपेंडेंस आर्ट ट्रेंड्स कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, लखनऊ, सारा डेट इसका याद कर लें। क्रोनोलॉजी में ये क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। कंप्यूटर से वीडियो आपको पेपर फर्स्ट में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लें। कंप्यूटर वाली वीडियो पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही सटीक वीडियो है और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आज का वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। हाँ, ये मैं आप लोग को दिखाने जा रही थी कि आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल, मतलब नगरा किसको बोलते हैं, प्रसादा किसे बोलते हैं, द्रविड़ स्टाइल क्या होता है, बेसरा स्टाइल क्या होता है, ये सब इसमें बताई हूँ। इसे ज़रूर वॉच करें। कंदरिया, कोणार्क और कैलाशनाथ टेम्पल के ऊपर बात किए हैं। और क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ इन्वेंशन के ऊपर वीडियो बनाई हूँ, जिसमें कि हम मेज़ोटिंट, प्रिंटिंग प्रेस, पेपर, वुड ब्लॉक, सेरीग्राफी, लिथोग्राफी, जितने भी मीडियम हैं, जीरोक्स, सब मेंशन की हूँ। अब हम अपने मेन वीडियो की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। आज वीडियो लंबा होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये देखिए 15 डेज का स्ट्रेटजी, इसमें हम हर चीज़ आप लोग को बताएं कि टाइम टेबल कैसे रखना है, डिवीजन कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 1 पेपर 2 को कैसे मैनेज करें, कितने आवर्स आप लोग को स्टडी करने हैं, कैसे आप चीज़ों को याद रखेंगे ये कम से कम एग्ज़ाम टाइम तक, और कौन कौन से इमेजेस आपको देख के जाने हैं, क्योंकि आजकल इमेजेस पूछने लगे हैं। जैसे अजंता, एलोरा, बदामी, इंपॉर्टेंट इमेजेस के बारे में बात करेंगे, और वेस्टर्न के कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी आज ना करें, क्योंकि ये भी मैं बताऊँगी आप लोगों को कि लास्ट में इमेज के बारे में बात करेंगे। कुछ इमेजेस मैं लेके आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजेस है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। जैसे इमेज में मैं लियोनार्डो विंची के कुछ इमेजेस लेके आई हूँ, कुछ मिकलेंजेलो के लेके आई हूँ, इस तरह से। तो देखिए टाइम टेबल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। तो इन दिनों कुछ दिन जो आपके पास बचा है, इसके लिए मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूँगी कि कम से कम आप लोग अपना टाइम टेबल ज़रूर बना लें और उस टाइम टेबल को फॉलो करें। जैसे कि आप लोग मॉर्निंग में हो सकता है कि 7 बजे उठें, 7 बजे उठिए, और रात के कम से कम 10 बजे सोइए, 7 से 10। और इस बीच में आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। इसके बीच में आप 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। 2 घंटा लगातार पढ़िए। जैसे कि मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं, सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठने के बाद आप 7 से लेके 9 बजे तक, यानी कि 2 घंटा आप पेपर फर्स्ट को पढ़ लें। और पेपर फर्स्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पेपर फर्स्ट नहीं पढ़ेंगे आपका एनटीए यूजीसी नेट निकलना मुश्किल है। पेपर फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। पुराने पेपर को एकदम, जो भी 10 साल के पुराने पेपर हैं उसको देख के जाएँ और उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ के जाएँ। और अगर बुक खरीदे हैं आपने, जैसा कि हम बताए थे उपकार, अरिहंट, ये बुक काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको पढ़िए पेपर फर्स्ट के लिए। और उसके बाद 7 से 9 के बाद आपको पेपर 1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप 1 घंटा का ब्रेक लीजिए। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आप पेपर 2 पे फोकस कीजिए। पेपर 2 में जैसा कि आप लोग का फाइन आर्ट का है, तो पेपर 2 को आप मान लीजिए कि 10 बजे से या फिर 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके, और 11 से लेके 1 बजे तक पढ़िए। 1 बजे तक, 1 बजे पढ़ने के बाद आप फिर से आधा या फिर 1 घंटा या फिर 15 मिनट, जितना भी आप में कैपेसिटी है, ब्रेक लीजिए। और फिर आप मान लीजिए 2 बजे पढ़ने बैठिए। और ये जो 1 घंटा की ब्रेक दे रही हूँ, इस 1 घंटे के ब्रेक में आप बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। आप अपने वॉल पे मान लीजिए कि ये आपकी वॉल है, मान लीजिए कि ये आपकी वॉल है, तो इस वॉल पे आप कुछ कुछ नोट्स अपने चिपका के रखिए। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा वॉल है और इस पर मैंने ये तीन नोट्स चिपका दी हूँ, ये तीन नोट्स मैंने वॉल पे चिपका दी हूँ। अब जो आप वो एक एक घंटे की ब्रेक ले रहे हैं, उस एक एक घंटे की ब्रेक में आपको इस वॉल पे दिए हुए जो भी चीज़ है उसको पढ़िए, इस वॉल पे जो भी चीज़ है उसको रिवाइज कीजिए। यही आपका रिवाइजिंग टाइम होगा, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आप फिर से 2 बजे तो आप पढ़ने बैठ जाएंगे। तो 2 बजे क्या कीजिए, मान लीजिए कुछ टाइम इंडियन पढ़िए, कुछ टाइम आप वेस्टर्न पढ़िए, इस तरह से आप मैनेज कीजिए। जो हमारी टॉपिक है वो है डिटैच फ्रॉम सोशल मीडिया। तो उसके लिए जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाई थी कि जो मोटिवेशनल वीडियो है उसे आप देख लें, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे डिटैच रहना है। फिर भी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ कि कैसे आपको सोशल मीडिया से डिटैच रहना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि कम से कम ये जो एग्ज़ाम का दिन है, अगर आपके फ़ोन में बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फ़ोन में बैलेंस नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, इवन बेटर है कि अगर आपके पास फ़ोन में बैलेंस नहीं है तो होगा कि लोग आपको फ़ोन करेंगे, कॉल जो है आपको इनकमिंग आएगा, इनकमिंग कॉल आएगा, आउटगोइंग नहीं जाएगा, राइट। तो इनकमिंग जब कॉल आएगा तो जिसे भी इंपॉर्टेंट कॉल करना होगा वो खुद आपको कर लेंगे, बट आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बट आज के सेशन में कौन फ़ोन में बैलेंस नहीं रखते, सभी रखते हैं। बट मैं अपना अगर बताऊँ तो मेरे नेट के एग्ज़ाम के टाइम पे तो मेरे पास बैलेंस 15 दिन तक हमारे फ़ोन में नहीं थे। मैं जानबूझकर रिचार्ज नहीं करवाती थी, क्योंकि अगर रिचार्ज होगा तो मैं उसमें कुछ ना कुछ देखती ज़रूर ही देखती, या तो फेसबुक देखती, या तो इंस्टाग्राम देखती, या व्हाट्सएप पे लोगों का मैसेज ज़रूर चेक करती और पोस्ट भी करती। इसीलिए मैं उस चीज़ को ख़त्म कर दी। जैसे ही मेरा बैलेंस ख़त्म हुआ मैं रिचार्ज नहीं करवाई, और एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ उसी दिन मैं रिचार्ज करवाई। एग्ज़ाम हॉल के निकलते के साथ मैं घर पहुँची और रिचार्ज करवाई। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर रिचार्ज करवाते हैं तो पढ़ाई के समय फ़ोन को एकदम भी स्विच ऑफ रखें, या फिर अपने पास में फ़ोन ना रखें, जिससे आप डिटैच ना हो। सोशल मीडिया यूज भी करना है तो आप अपने जो ब्रेक देती हूँ उस ब्रेक को आप सोशल मीडिया में यूज कर सकते हैं, आधा 1 घंटा। आपको रिवीजन डेली करना है, हर दिन रिवीजन करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं पहले और जो अभी पढ़ रहे हैं। अभी जो पढ़ रहे हो तो आज आप याद करेंगे तो कल आपको उसको रिवाइज करना ही करना है, नई चीज़ें और पुरानी चीज़ें आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। 1 घंटा 2 घंटा आप रिवीजन का टाइम दें, जब भी आपको बेटर लगे, या तो सोने समय, या तो शाम में, या फिर जो मैंने आप लोग को 9 से 11 बताई। बस सबसे बेस्ट होता है रिवीजन का टाइम इवनिंग के टाइम, यानी कि 5 से 6, जब आपको नींद आ रही हो, या फिर आपने एक नैप लेके उठे हैं, मान लीजिए आपने एक नैप ले लिया, एक नैप लेके उठने के बाद रिवीजन का बेस्ट टाइम होता है, या फिर सोने के पहले। जो भी है पढ़ाई, कोई भी चीज़ अगर आपको याद करना है तो उसे आप पहले कर लें, याद करने वाली चीज़, क्योंकि उसके बाद आपका माइंड वर्क नहीं करता है। इसलिए आप पहले याद करने वाली चीज़ को याद कर लें और रिवीजन बाद में करें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मान लीजिए कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों ने अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं, तो क्या करेंगे? तो अब उसको करना है कि उसमें से आप लोग को ये देखना है, मान लीजिए कि लियोनार्डो दा विंची, मिकेलेंजेलो और राफाएल है, ये 3 आप लोगों ने नहीं किए हैं। तो ये 3 सभी को मालूम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे करना ही होगा। इसके बिना आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके 2 से 4 नंबर लॉस होने के पूरे चांसेस है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये 3 आर्टिस्ट की जगह मैं अभी ऑप्शन दे रही हूँ कि गुरुचरण सिंह है, ठीक है, एक हम है थोथा बैकुंठम है, गुरुचरण सिंह है, और मान लीजिए मृणालिनी मुखर्जी हैं। ये 3 टॉपिक है। तो इस 3 टॉपिक में आप थोथा बैकुंठम को स्किप कर दें, थोथा बैकुंठम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप गुरुचरण सिंह और आप मृणालिनी मुखर्जी पढ़ें। इसमें से भी अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ तो ये देखिए, गुरुचरण सिंह के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ इनका डेट ऑफ बर्थ पढ़ के जाइए, जन्म कहाँ हुआ है ये पढ़ के जाइए, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम देख के जाइए, दैट्स इट। क्योंकि गुरुचरण सिंह जो है पॉटरी के आर्टिस्ट है, सेरामिक आर्टिस्ट है, तो इनसे ज़्यादा कुछ आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्रोनोलॉजी में आ सकता है कि गुरुचरण सिंह, ईरा चौधरी और ज्योत्सना भट्ट, इन तीनों को हो सकता है कि आपको क्रोनोलॉजी में सजाने दे। तो क्रोनोलॉजी तभी याद रहेगा जब आपको उनका डेट ऑफ बर्थ याद रहेगा। और जब आप मृणालिनी मुखर्जी पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज़ पढ़ना होगा कि उनके काम, जैसे कि मसाकड़े वो यूज करती, मसाकड़े को इंग्लिश में यानी जूट कहते हैं, जूट से उन्होंने काम किए हैं, उनके बहुत इंपॉर्टेंट काम देवी हैं, इस तरह से। और उनका जन्म कहाँ हुआ है, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, उनको अगर कोई अवार्ड मिला है, कोई फेलोशिप मिला है, अगर ललित कला एकेडमी से कुछ मिला है या नेशनल मिला है, कि कौन कौन सी अवार्डी रही हैं, ये आपको मृणालिनी मुखर्जी का पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी भी रह गया है, अभी भी आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो पैनिक मत होइए, आराम से धीरे धीरे उसको कवर कीजिए और कवर 15 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही करना पड़ेगा। अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, अदरवाइज आप मात्र नेट क्लियर करके रह जाएंगे, वो भी डाउट के साथ। ठीक है, तो पेपर वन पेपर टू दोनों कैसे करेंगे तो मैं आपको बताई टाइम टेबल कि सुबह के उठते के साथ अगर पेपर वन आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन की थी, मैं जैसे ही सुबह मेरी नींद खुलती थी 7 से 7:30 के बीच में उठ जाती थी और 2 घंटे पेपर वन करती थी। और सच बताऊं तो मैं सिर्फ ब्रश करती थी, यानी कि जो मॉर्निंग का डेली रूटीन होता है सिर्फ वो करती थी। उसके बाद मैं नाश्ता भी नहीं करती थी, मैं सीधा पढ़ने बैठ जाती थी और पढ़ाई के बाद ही मैं बाथ लेने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना है, अगर पूजा करना है तो वो सब करती थी। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से कीजिए। कुछ लोग का हैबिट होता है कि सुबह उठते ही पढ़ना, कुछ लोग का हैबिट होता है कि सुबह उठ के सारा काम फिनिश करके नहा वहाँ के खाना आई मीन ब्रेकफास्ट जो करना करके करते, तो वो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। बट और फ्रेंड्स इस तरह से पेपर वन पेपर टू आप लोग को करना है। और पेपर वन पेपर टू में देखिए यहाँ मैं मेंशन की हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर डेली, दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं डेली उसको आपको करना है, यानी कि पुराने पेपर जो भी हैं 10 साल 11 साल जो भी है। फिर भी मैं 10 साल से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप 2012 से 2019 तक का कर लेंगे तो काम हो जाएगा, यानी कि यहाँ 7 साल ही हो रहा है। 8 साल 12 से अगर हम जुड़े तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 8 साल भी कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। 2010-11 नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट यहाँ से आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर अभी भी नहीं किए तो 15 दिन बहुत है फ्रेंड्स, 15 दिन बहुत है। पेपर वन के लिए 15 दिन बहुत है। अगर मैं सच बोलूं तो मैं पेपर वन के लिए मात्र 10 दिन स्टडी की थी, मात्र 10 दिन स्टडी की थी और नहीं की थी। जब 10 दिन बचा था तो मैं हर दिन था कि मुझे एक टॉपिक ख़त्म करना है, जैसे भी मैं ख़त्म करूं, सो के जाग के खा के पी के जैसे भी करना है, जितना भी टाइम लग जाए एक दिन में एक, यानी जैसे कि पेपर वन में आप लोग को मालूम ही होगा कि पेपर वन में 10 टॉपिक होते हैं, है ना। तो वो 10 टॉपिक को हर दिन मैं एक टॉपिक बांध लेती कि आज कंप्यूटर करेंगे तो कल हम रिसर्च एप्टीट्यूड करेंगे, तो दूसरे दिन हम टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, तो चौथे दिन हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे, तो 5वें दिन हम डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। और सच बोलूँ तो मैं DI नहीं की थी, DI छोड़ के मैं सारा चीज़ पढ़ के गई थी। DI मैं तुक्का पे की थी क्योंकि मैं हमेशा ही DI तुक्का करती हूँ। 5 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से मेरे 2 या 3 सही हो जाते हैं, कोई भी मैं एक ऑप्शन मार देती हूँ और वो ऑप्शन मेरा C होता है। ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं जब भी तुक्का मारती हूँ कोई भी एग्ज़ाम हो तो मैं इसमें C ही देती हूँ। अब इसमें C में मुझे कभी 2 मिल जाता है, कभी 3 मिल जाता है और कभी कभी मैं वहाँ पे देख भी लेती हूँ। पहले पेपर पढ़ना है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है, DI भी देखना है। मैं पहले DI देखती हूँ उसके बाद तुक्का मारती हूँ। मान लीजिए क्या पता मुझे उसमें से कोई क्वेश्चन आता हो, कोई इजी क्वेश्चन हो और मैं तुक्का मार दूँ, नहीं। तो मैंने पहले क्वेश्चंस पढ़ी और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अगर मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन ए होगा तो मैं ए ही करती हूँ और वो ऑप्शन सही भी होता है। तो पहले देखिए, अगर आता है तो ठीक है, अगर बिल्कुल भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई भी एक ऑप्शन कर दें। अगर कोई भी एक ऑप्शन आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो ज़रूर मिल जाएंगे, 2, 4, 6। तो मुझे 6 मार्क्स मिले थे और मैं एकदम भी झूठ नहीं बोलूँगी, DI में पढ़ के नहीं गई थी, बाकी सब चीज़ पढ़ के गई थी। और पेपर टू भी आप लोग को डेली रिवाइज करना है। जैसे कि मान लीजिए 2012 का आज कर लीजिए तो कल 2013 कर लीजिए और इसको हर दिन रिपीट भी करना है। सोने के पहले रिवाइज करना है, बस एक बार पहले तो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मतलब उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर अभी तक सॉल्व नहीं किए तो सॉल्व करना है और फिर डेली रिवाइज भी करना है। फिर ये तो मैं आप लोग को बता ही दी कि 8 से 10 घंटा तो मस्ट पढ़ना है। फिर भी अगर कोई किन्हीं का टॉपिक रह गया है, कुछ चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है अभी, उनको और भी पढ़ना बहुत चीज़ बाकी है, तो आप 10 घंटे से ज़्यादा अगर एनर्जी है तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट 12 आवर्स तो कोई भी पढ़ सकता है अगर एनर्जी है तो। और 15 दिन ही तो पढ़ना है, 15 दिन एकदम फोकस कीजिए, जी जान लगा दीजिए। उसके बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद मैं भी नहीं पढ़ी थी, उसके बाद थक जाता आदमी, उसके बाद आदमी को जो जीव करता है वही करता है ना। तो इस तरह से कीजिए। 7 नंबर है कैसे चीज़ों को हम याद रखेंगे कि, तो इसके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हूँ कि कैसे चीज़ों को याद रखना है, उसको आप लोग याद कर लें, देख लें वीडियो। और यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स बता भी देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि लियोनार्डो हैं, मिकेलेंजेलो हैं, राफेल हैं और मसाच्चियो है, ठीक है। ये 4 आर्टिस्ट हैं। अभी हमको यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लीजिए कि सबसे पहले जन्म मसाच्चियो का होगा तो मसाच्चियो को ऊपर रखेंगे, लियोनार्डो का उसके बाद हुआ है तो लियोनार्डो को रखेंगे, उसके बाद मिकेलेंजेलो हुआ है तो मिकेलेंजेलो रखेंगे, और लास्ट में अगर राफेल का जन्म हुआ है तो राफेल को रखेंगे। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया एम एल एम आर। इसी तरह से और भी इसको हम नीचे इंक्रीज करेंगे। रेनेसा के जितने आर्टिस्ट हैं एक साथ रखेंगे, बरोक के जितने आर्टिस्ट हैं एक साथ रखेंगे, इस तरह से न्यू क्लासिज्म के जितने आर्टिस्ट हैं एक साथ रखेंगे और उनको इसी तरह से क्रोनोलॉजी सजा कर रखेंगे। तब क्या होगा मुझे याद रहेगा। अच्छा, मिकेलेंजेलो सबसे पहले, सॉरी मसाच्चो सबसे पहले होगा, लियोनार्डो सबसे उसके बाद होगा, फिर मिकेलेंजेलो होगा, फिर जो है आपका राफेल होगा। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को सजा लेंगे क्रोनोलॉजिकल, तो क्रोनोलॉजी ही आप लोग याद कर लीजिए तो हो जाएगा। और एक बात यहाँ पे और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछा जाता है। एग्ज़ाम में जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो असेंडिंग का मतलब होता है आरोही और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही, ये समझ लीजिए। बहुत लोग यही नहीं समझ पाते हैं। तो असेंडिंग में क्या होगा, छोटा से बड़ा, असेंडिंग में छोटा से बड़ा, जैसे मान लीजिए किसी का साल 2 है 4 है 6 है 8 है, ये आपका असेंडिंग हुआ। अगर डिसेंडिंग में सजाने बोल रहा है तो आपका 8 होगा 6 होगा फिर 4 होगा फिर 2 होगा। यानी कि असेंडिंग का मतलब है जिनका जन्म पहले हुआ है उनको रखना है, और डिसेंडिंग में ऐसा होगा कि जिनका जन्म बाद में हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोग को अगर बताऊं तो रियलिज्म के जो आर्टिस्ट हैं गुस्ताव कुर्बे, उनका जन्म बाद में हुआ है और लियोनार्डो का जन्म पहले हुआ है, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग अच्छे से समझ के जाइएगा। लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, और भी है। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए, बार बार रिपीट कर रही हूँ, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि सारा ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमेजेस के बारे में। आप जानते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट अब इमेजेस देने लगे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम अगर आप लोग को याद होगा तो नटराज से और मसाच्चियो से एक एक पेंटिंग आए थे। नटराज की एक पेंटिंग थी जो कि चोला पीरियड की है, और मसाच्चियो का एक पेंटिंग था जिसका नाम है ट्रैब्यूट मनी। उससे 5 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन इमेज से था। यहाँ पे आपको 10 में से 20 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इमेजेस देखने हैं वो बता देती हूँ। अजंता तो देख लीजिए अच्छे से, केव नंबर 1, केव नंबर 2, सारा ही केव देख लीजिए, एलोरा का भी सारा का केव देख लीजिए, बादामी देख लीजिए, और साथ में साउथ के जितने भी टेम्पल हैं, साउथ में तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, कुंभाकोनम टेम्पल है, पन्ना मलाई है, महाबलीपुरम है, ये सब जितने भी टेम्पल हैं इनको ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को, ऐसी इमेजेस देख के जाएँ जिसके कि एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि ट्राइब्यूट मनी में पूरा एक स्टोरी था कि कोई एक पैसे बांट रहा है और कोई मछली देने वाला है, फिर उस पेंटिंग का नाम क्या है, इसी तरह से 5 क्वेश्चन बन रहे थे। नटराज की जो इमेजेस थी उसमें भी 5 क्वेश्चन बन रहे थे कि नटराज की पेंटिंग कौन से पीरियड की है, कब बना था, ठीक है। उनके नीचे एक अपासमारा है, वो अपासमारे का नाम क्या जिनको वो पैर से दबा रहे हैं, फिर उनकी चतुर्भुज हाथ है तो उस आगे वाले हाथ को क्या बोलते हैं। अगर मान लीजिए नीचे में एक हाथ है, उसके हाथ में अगर उनके कोई अस्त्र शस्त्र कोई एक चीज़ है तो वो आइकोनोग्राफी क्या है, वो आइकोनोग्राफी पहचानना है। तो इस तरह से आप लोग इमेजेस को ज़रूर देखें और इंडियन पेंटिंग भी देख के जाएँ। साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूंगी कि रेनेसा के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें ज़रूर देख लें, और न्यू क्लासिज्म के एक आर्टिस्ट हैं जैक लुई दाबी, इसके बारे में मैं पेंटिंग भी आप लोग को दिखाऊंगी। जैक लुई दाबी की एक पेंटिंग मैं आप लोग के साथ लाई हूं, इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें। जैक लुई दाबी की एक पेंटिंग है जिसका नाम है मारात, ठीक है, जिसे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में ही डेथ ऑफ मारात बोलते हैं, और दूसरी उनकी पेंटिंग का नाम है ओथ ऑफ हरत्ती, ओथ ऑफ औरत्ती। और ये पेंटिंग दोनों मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इससे 5 क्वेश्चन बनने की कंप्लीट चांसेस है। और जैक लुई डावी जो है न्यू क्लासिज्म के आर्टिस्ट हैं, तो रेनेसा से पूरे ही देख के जाए, चाहे वो मिकेलेंजेलो हो,